हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। आज हम बात करने वाले हैं पीफोल जेट कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल के बारे में हम पूरी वीडियो में जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या सावधानी है, सबके बारे में। तो बात कर लेते हैं पीफोल जेट कैप्सूल के बारे में। यह है GSK कंपनी का आता है, गैलेक्सो स्मिथ कंपनी का ये आता है। इसकी MRP रहती है 172 रुपये। तो इसके अंदर रहता है कार्बोनिल आयरन विथ जिंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट एंड फोलिक एसिड। तो इस कैप्सूल का यूज़ एनीमिया की कंडीशन में किया जाता है, जहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है वहाँ पर इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कार्बोनिल है, जिंक है, तो यह क्या करता है, आयरन की डिफिशियंसी में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी में अक्सर ये यूज़ किया जाता है, जहाँ उन्हें आयरन की कमी हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में आयरन की कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की। तो बात कर लेते हैं इसके अंदर कार्बोनिल कितने mg में रहता है। कार्बोनिल 50 mg में इसके अंदर रहता है, एलिमेंटल आयरन 50 mg में इसके साथ रहता है। जिंक इसके अंदर रहता है, जिंक सल्फेट 61.8 mg इसके अंदर रहता है। एलिमेंटल आयरन, एलिमेंटल जिंक इसके अंदर 22.5 mg रहता है। फोलिक एसिड इसके अंदर रहता है 0.5 mg इसके अंदर मौजूद रहता है। इसकी डोज की बात कर लेते हैं, तो आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार, खाना खाने के 1 से 2 घंटे पहले, या आप इसे खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। आप इसे अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लें जब भी लेना हो आपको। बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, पेट में दर्द होना, या फिर सिर चकराना, चक्कर आना, या स्किन पर रेशेस होना, या दस्त लगना, या मुंह सूखना, ये इसके आम साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। बाकी ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा देता है और बहुत बढ़िया काम करता है ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। जो भी महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी है, वे अपने डॉक्टर को दिखाकर ये कैप्सूल ले सकते हैं, ताकि उन्हें अपना आराम, रिलीफ मिले। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।